motion of y component of our body in uniform circular motion. एक बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, उसके y कंपोनेंट को हमने डिस्कस करना है और ये भी प्रूव करना है कि वो y कंपोनेंट की मोशन SHM होगी. फॉर एग्जांपल ये बॉडी जो है ये पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे गई है. ओवरऑल ये बी पे स्टॉप नहीं हुई बल्कि ये बॉडी सर्कल में यूनिफॉर्मली मूव कर रही है. यूनिफॉर्मली मूव करने का मतलब ये होगा कि बॉडी की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बॉडी दैट इज़ कॉन्स्टेंट. वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट नहीं होगी बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग. स्पीड कॉन्स्टेंट होने का मतलब ये है कि बॉडी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वली कवर हो रही है. इट्स मीन इफ द स्पीड इज़ कॉन्स्टेंट, इट्स मीन एंगुलर वेलोसिटी इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट. एंगुलर वेलोसिटी भी बॉडी की कॉन्स्टेंट एंड देयर इज़ नो एंगुलर एक्सेलरेशन. बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वली डिस्प्लेस हो रही है. तो इस बॉडी का जो वाई कंपोनेंट है वो पॉइंट ए पे, वाई कंपोनेंट यहाँ पे होगा और पॉइंट बी पे वो यहाँ पे होगा. इट्स मीन कि वाई कंपोनेंट इज़ मूविंग अलोंग वाई एक्सिस. बॉडी के लिहाज से वाई कंपोनेंट की मोशन कुछ यूँ होगी कि जिस वक्त बॉडी ए पे है, ठीक है, तो वाई कंपोनेंट इस जगह पे है. बॉडी के ऊपर जाने के साथ साथ वाई कंपोनेंट भी ऊपर जा रहा है. जब बॉडी वाई एक्सिस वाली पोजीशन पे पहुंचेगी तो इधर से वाई कंपोनेंट भी यहाँ पहुंचा होगा. दोबारा ये देखें, मेरी जो फिंगर है ये बॉडी की मोशन को जाहिर कर रही है जबकि ये मार्कर की जो टिप है ये वाई कंपोनेंट को डिस्कस कर रही है, वाई कंपोनेंट को जाहिर कर रही है. तो हमने इस वाई कंपोनेंट को जो है उसकी मोशन को डिस्कस करना है जो यूं यूं हो रही है. हमने बॉडी की मोशन के की वैल्यूज़ नहीं फाइंड करनी बल्कि हमने ये वाई कंपोनेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है. इस वक्त जब बॉडी की पोजिशन बी है तो ये वाई कंपोनेंट की पोजिशन ये है, बिल्कुल बी के सामने, और वाई कंपोनेंट जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट इस वक्त एक्स है. जब बॉडी जो है वो यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचेगी तो इधर से पॉइंट पी जो है वाई कंपोनेंट जो मूव कर रहा है ये भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा. इसका मतलब है ये जो पॉइंट पी यानी कि वाई कंपोनेंट है इसकी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इस सर्कल की मेन पोजिशन से इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक है, दैट इज़ इक्वल टू द रेडियस. एम्पलीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो पॉइंट पी की मोशन को हमने डिस्कस करना है. पॉइंट पी जो है उसकी सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे. बॉडी जो है वो ए से बी पे मूव करके गई है, इसका मतलब है इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन पे सर्कल के सेंटर पे जो एंगल डिस्प्लेस हुआ है बॉडी के मूव करने की वजह से वो ये है, ये डेल्टा थीटा, और हमने ये एक्स फाइंड करना है. अब हमें पता है कि पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो करस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा. इट्स मीन कि दिस एंगल इज डेल्टा थीटा एंड वी कैन राइट दिस एंगल इज आल्सो एज डेल्टा थीटा. नाउ टेक दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को लें. इस ट्रायंगल से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं. तो पहला स्टेप जो हमारा इस सर्कल में मूव करते हुए बॉडी के वाई कंपोनेंट के लिए है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालना है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई कंपोनेंट. एक्स ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमने जो ट्रायंगल लेनी है वो है ओ पी बी. ओ पी बी ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में साइन थीटा की रेशियो दे दें
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज द साइड ऑपोजिट टू द थीटा. थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, वो है ओपी. ओपी और हाइपोटेन्यूज जो है वो 90 के सामने वाली साइड होती है. 90 का एंगल ये है, तो ये साइड हमारी होगी ओबी. ओपी ओपी की जो लेंथ है वो एक्स है, जो हमने फाइंड करनी है. और हाइपोटेन्यूज हमारा ओबी है, जो कि रेडियस के इक्वल है, इस सर्कल के रेडियस के इक्वल है ये ओबी. तो नीचे रेडियस आ गया. जैसा कि डायग्राम में ये वाजह है कि रेडियस और एम्पलीट्यूड आपस में इक्वल हैं, तो रेडियस की जगह एम्पलीट्यूड आ गया. तो ये हमारे पास बन गया एक्स ओवर एक्स नॉट इज इक्वल टू साइन थीटा. ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन वन है. यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा. तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसमें हम थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ से डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा डेल्टा टी. ये वैल्यू आप वापस पुट करें तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा डेल्टा टी. ये आपके पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी आ गई है. पॉइंट पी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जबकि बॉडी ए से बी पे गई है और पॉइंट पी ओ से पी पे आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर ली है. ये हमारे पास रिजल्ट है, इसको इक्वेशन टू कह देते हैं. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के बाद अगला स्टेप हमारा होगा कि एक्सलरेशन पॉइंट पी का क्या होगा. एक्सलरेशन ऑफ पॉइंट पी एक्सलरेशन, यहाँ एक्सलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सेंट्रिपिटल है. सेंट्रिपिटल लीनियर एक्सलरेशन है. सेंट्रिपिटल लीनियर एक्सलरेशन वो होता है जो डायरेक्शन की चेंजिंग की वजह से प्रोड्यूस हो. इसमें स्पीड की चेंजिंग तो हो ही नहीं रही, स्पीड तो हमारी कॉन्स्टेंट है. इसका मतलब है चेंजिंग किस में आ रही है, चेंजिंग हमारे बॉडी की डायरेक्शन में आ रही है. लेकिन हमने बॉडी का एक्सलरेशन फाइंड नहीं करना, हमने एक्सलरेशन फाइंड करना है पॉइंट पी का. तो एक्सलरेशन के लिए डायग्राम कुछ ये बनेगी. बॉडी जब ए से मूव करके बी पे गई है तो उसका सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन मेन पोजीशन की तरफ है और उसका नेम है ए सी, सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन. इस सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन के अगर मैं कंपोनेंट्स बना लूँ तो एक इसका कंपोनेंट बनेगा, ये होगा ए सी एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए सी, और एक कंपोनेंट इसका बनेगा ये, दैट इज ए सी वाई. अब स्टूडेंट्स आप खुद अंदाजा लगा लें कि हमारे पॉइंट पी का एक्सलरेशन इनमें से कौन सा है. हमारे पॉइंट पी का एक्सलरेशन, क्योंकि हमारा पॉइंट पी वाई एक्सिस के लोग मूव कर रहा है, तो पॉइंट पी पे उसका एक्सलरेशन ये वाला है ए सी वाई, बॉडी के एक्सलरेशन का वाई कंपोनेंट. बॉडी के एक्सलरेशन का वाई कंपोनेंट हमारे पी पॉइंट या y कंपोनेंट का एक्सलरेशन है. तो हमारा जो एक्सलरेशन ऑफ पॉइंट p है वो बॉडी के एक्सलरेशन का y कंपोनेंट है. अब y कंपोनेंट के लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो होता है साइन थीटा वाला, बिकॉज एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा. तो ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई. ए सी इज सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन ऑफ बॉडी, वाइल ए इज द एक्सलरेशन ऑफ पॉइंट पी, ए इज द एक्सलरेशन ऑफ वाई कंपोनेंट विच वी हैव टू फाइंड. सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय वी स्केयर बाय आर. सेंट्रिपिटल एक्सलरेशन का जो फार्मूला है वो है स्पीड का स्केयर डिवाइडेड बाय रेडियस. इसको हम आर ओमेगा स्केयर भी कह सकते हैं, बिकॉज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो ए सी की जगह पे यहाँ आर ओमेगा स्क्वायर पुट कर दें, तो ए इज इक्वल टू
आर ओमेगा स्क्वायर आगे साइन डेल्टा थीटा। साइन डेल्टा थीटा की ये वैल्यू इक्वेशन वन में एक्स बाय एक्स नोट यहाँ पुट करें यूजिंग इक्वेशन वन। आल्सो रेडियस की जगह भी आप एक्स नोट लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू एक्स नोट है। ये देखें रेडियस की जगह एक्स नोट आ गया, आगे ओमेगा स्क्वायर साइन की वैल्यू इक्वेशन वन से एक्स बाय एक्स नोट यहाँ पुट कर दें तो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट ओमेगा स्क्वायर और साइन थीटा की जगह हमारे पास आ गया एक्स बाय एक्स नोट। एक्स नोट से कैंसिल और ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। बिकॉज ए एंड एक्स आर ओपोजिट, ए इज टुवर्ड्स द मेन पोजिशन वाइल एक्स इज आउट ऑफ द मेन पोजिशन, तो जब वैक्टर फॉर्म में हम इसे लिखेंगे तो वो होगा ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये वैक्टर फॉर्म में आ गया। ओमेगा हमारा कॉन्स्टेंट है, ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, इट्स मीन ओमेगा स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट होगा तो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इट्स मीन कि ये रिलेशन ये जाहिर कर रहा है कि वाई कंपोनेंट की मोशन इसकी, ये जो वाई कंपोनेंट यूं यूं मूव कर रहा है इसकी मोशन एस एच एम है, क्योंकि एस एच एम की इक्वेशन आ चुकी है। तो इसको हम कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट एस एच एम, तो मोशन ऑफ पॉइंट पी जो है वो एस एच एम आ गया हमारे पास। ये मोशन जो है ये एस एच एम है, तो ये एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन हो गई। हमने डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर ली, हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करेंगे, बॉडी की नहीं उसी वाई कंपोनेंट की। ये वाई कंपोनेंट की जो स्पीड है ये मेन पोजीशन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए ये स्लो हो रहा है और एक्सट्रीम पे जाकर ये ज़ीरो हो चुकी है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किस जगह पे कितनी होगी इंस्टेंटेनियस होगी इसको हमने फाइंड करना है। इंस्टेंटेनियस का वर्ड वहीं पे यूज़ किया जाता है जहाँ चेंजिंग आ रही हो, जो चीज़ कॉन्स्टेंट हो उसके लिए हम इंस्टेंटेनियस आमतौर पर यूज़ नहीं करते। तो क्योंकि ये वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट, पूरा वर्ड वही बनेगा वाई कंपोनेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम इसको इख्तसार के साथ मुख्तसरन वाई कंपोनेंट ही लिख रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए हमें इस